मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपनी 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन को यहां पर डिफाइन करेंगे विद फ्यू एग्जांपल्स, और इसके अलावा केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स भी होते हैं, उनकी भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो हम आते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पे। केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है और केमिकल रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन क्यों कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज व्हेन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस, वी से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यानी जब भी केमिकल चेंज होगा, जब भी कहीं पे केमिकल चेंज हो रहा होगा, हम कहेंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। अब केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज वो चेंज होता है तो सब्सटेंस की कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। आपने 9th क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल चेंज की डेफिनेशन की थी। यानी केमिकल चेंज वो चेंज होता है जो सब्सटेंस की कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। यानी अगर सब्सटेंस की कंपोजिशन चेंज हो रही है तो उसकी केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो रही होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अ केमिकल चेंज। यानी वाटर की जो फॉर्मेशन होती है फ्रॉम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो एक केमिकल चेंज है। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एलिमेंट्स हैं और ये दोनों एलिमेंट्स वाटर में चेंज हो रहे हैं। वाटर एक कंपाउंड है, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड होते हैं, ये दोनों डिफरेंट चीजें होती हैं और इनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो भी डिफरेंट होती है। क्योंकि एलिमेंट्स और कंपाउंड डिफरेंट है इसलिए इनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो भी डिफरेंट होती है। तो किसी एलिमेंट्स का कंपाउंड में चेंज हो जाना, ये एक केमिकल चेंज होता है। और जहां पे केमिकल चेंज हो रहा होगा वहां पे हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन भी टेक प्लेस हो रहा है। इसी तरह मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वो कंपाउंड है, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों डिफरेंट चीजें हैं इसलिए उनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो भी डिफरेंट होती है। तो जब एलिमेंट्स कंपाउंड में चेंज होता है तो उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो चेंज हो जाती है, इसलिए इस रिएक्शन को भी हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन इसलिए कहते हैं इन रिएक्शन को, ये रिएक्शन तो है लेकिन केमिकल रिएक्शन इसलिए कहा गया है कि इस रिएक्शन में जितने भी सब्सटेंसेस हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये सब के सब केमिकल्स हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं। उसके बाद केमिकल रिएक्शन में जो जी है, जी रिप्रेजेंट्स गैस, ये जो जी है ये गैसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एल है, एल रिप्रेजेंट्स लिक्विड, एल लिक्विड को रिप्रेजेंट्स करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो वाटर है ये लिक्विड है। सिमिलरली अगर ब्रैकेट में एस लिखा हो तो एस रिप्रेजेंट्स सॉलिड, एस जो है वो सॉलिड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे सॉलिड एस लिखा हुआ है, इट्स मीन की जो मैग्नीशियम है वो क्या है, सॉलिड है। और अगर कहीं पे ब्रैकेट में ए क्यू लिखा हो तो ए क्यू रिप्रेजेंट्स एक्वा सॉल्यूशन, ए क्यू जो है वो एक्वा सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्वा सॉल्यूशन वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व करके बनाए जाते हैं, डिसॉल्व दैट इज डिसॉल्व इन वाटर। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स भी होते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें केमिकल चेंज टेक प्लेस होता है, आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंसेस इन व्हिच केमिकल चेंज टेक्स प्लेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी वो सब्सटेंसेस जिनमें केमिकल चेंज होगा उनको हम रिएक्टेंट्स कहेंगे। जैसे कि इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इस इक्वेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में केमिकल चेंज हुए इसलिए इनको हम रिएक्टेंट्स कह रहे हैं। इनमें जब केमिकल चेंज हुआ तो ये वाटर में चेंज हो गया। अब वाटर इन द बिगिनिंग, यानी रिएक्शन के स्टार्ट में वाटर यहाँ पे नहीं था, पहले वाटर बाद में बना, पहले ये दोनों सब्सटेंसेस थे इसलिए इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज होगा, इनमें केमिकल चेंज होगा इसलिए इनको हमने रिएक्टेंट्स का नाम दिया। और इस रिएक्शन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनमें केमिकल चेंज हो रहा है, जब इनमें केमिकल चेंज हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन के स्टार्ट में प्रेजेंट नहीं था, ये बाद में बना, इसलिए पहले ये दो सब्सटेंसेस थे इसलिए इनमें केमिकल चेंज होगा। और इनमें केमिकल चेंज होगा तो इनको हम रिएक्टेंट्स का नेम देंगे, यानी वो सब्सटेंसेस जिनमें केमिकल चेंज होता है उनको हम रिएक्टेंट्स का नेम देते हैं। रिएक्टेंट्स मीन वो सब्सटेंसेस जो रिएक्ट करेंगे, जब रिएक्ट करेंगे तो कोई न्यू सब्सटेंस हमें बना के देंगे।
और सेकंड जो है वो प्रोडक्ट्स हैं. प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. यानी केमिकल रिएक्शन के दरमियान जो न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स का नाम नेम देते हैं. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन में वाटर, वाटर पहले मौजूद नहीं था, वाटर बाद में बना, इसलिए वाटर को हम प्रोडक्ट्स का नेम देंगे. और इस रिएक्शन में मैग्नीशियम जो है वो रिएक्शन के बिगिनिंग में प्रेजेंट नहीं था, बाद में बना, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी हम प्रोडक्ट्स का नेम देंगे. ये वो सब्सटेंसेस हैं जो बाद में प्रोड्यूस हुए. और हमारे सराउंडिंग में मोस्टली जो फिजिकल एंड केमिकल चेंज होते हैं वो प्रोसीड टू कम्प्लीशन. यानी हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो कम्प्लीशन की तरफ जाते हैं. जैसे कि अगर मैं आइस को हीट करूँगा तो वो वाटर में चेंज होगा, वाटर को हीट करूँगा तो वो लिक्विड, वाटर को हीट करूँगा तो वो स्टीम में जाएगा, स्टीम को हीट करूँगा तो वो प्लाज्मा में. यानी ये जो फिजिकल चेंज है ये एक फिजिकल चेंज है, लेकिन एक पॉइंट पे आगे ये कम्प्लीट हो जाएगा. आइस को हीट करने से वाटर, वाटर को हीट करने से स्टीम. तो ये जो फिजिकल चेंज है एक पॉइंट पे आगे इसने कम्प्लीट होना है. इसी तरह जो केमिकल चेंजेस हैं, जैसे कि ये इसमें इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बनाएंगे और ये जो रिएक्शन है ये प्रोसीड टू कम्प्लीशन, यानी ये रिएक्शन कम्प्लीट हो जाएगा. इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा तो रिएक्शन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा, आगे फर्दर जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा. तो बहुत सारे सराउंडिंग में जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं वो कम्प्लीशन की तरफ जाते हैं. और वो रिएक्शन जिनमें ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सब प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, उस तरह के रिएक्शन को हम कंप्लीट केमिकल रिएक्शन का नेम देते हैं. कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, ऑल द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, यानी जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो सब प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, उस तरह के रिएक्शन को हम कंप्लीट रिएक्शन का नेम देते हैं. लेकिन केमिस्ट्री में जो है वो केमिस्ट्री में जो है वो मोस्टली जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होते ही नहीं. अब वो कंप्लीट क्यों नहीं होते? क्योंकि हम रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स तो बनाएंगे लेकिन प्रोडक्ट्स वापस रिकम्बाइन हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स आपस में दोबारा से रिकम्बाइन हो जाएंगे या फिर डीकम्पोज होके रिएक्टर्स बनाना शुरू कर देंगे, इसलिए वो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते. रिएक्टर्स प्रोडक्ट्स बनाएंगे, प्रोडक्ट्स दोबारा रिकम्बाइन होके या डीकम्पोज होके रिएक्टर्स बनाना शुरू कर देते हैं, फिर रिएक्टर्स प्रोडक्ट्स बनाएंगे और प्रोडक्ट्स फिर रिएक्टर्स बनाएंगे. यानी ये प्रोसेस चलते ही रहेगा और रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा. एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट है वो अनचेंज हो जाएगी, यानी वो चेंज नहीं होगी और यूं लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, बल्कि उस रिएक्शन में जो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. ये जो दोनों रेट्स हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट्स और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट्स है या बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट्स है, वो रेट्स इक्वल होंगे, रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा. यानी फॉरवर्ड रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो लेफ्ट टू राइट हो, यानी जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हो उस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और जिस रिएक्शन की डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो उसको हम बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं या फिर रिवर्स रिएक्शन का नेम भी देते हैं. तो जस्ट ये रेट इक्वल होंगे, रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होगा. इसके अलावा कुछ नेचुरल रिएक्शंस हैं जो कि स्पॉन्टेनियस होते हैं. हमारी सराउंडिंग में बहुत से रिएक्शन ऐसे तो नेचुरल भी हो रहे हैं, हमारी बॉडी में भी हो रहे हैं, इसके अलावा हमारी सराउंडिंग में भी हो रहे हैं. जैसे कि फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है तो प्लांट्स में कॉन्टिन्यूसली होता रहता है, और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की एग्जाम्पल है क्योंकि ये इटसेल्फ होता है. प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, प्लस वाटर जो मॉइस्चर है, एयर में जो मॉइस्चर है उसका भी यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और हमें प्रोडक्ट्स बना के देते हैं. ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनती है. तो ये जो रिएक्शन है ये प्लांट्स में हो रहा होता है और ये कॉन्टिन्यूसली हो रहा होता है, स्टॉप नहीं होता. इसके अलावा ये जो रिएक्शन है ये रेस्पायरेशन, हमारी बॉडी में जो रिएक्शन हो रहा है वो रेस्पायरेशन रिएक्शन है. यानी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की डीकम्पोजिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एयर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होती है, और जो ग्लूकोज हम फूड खाते हैं, फूड के जरिए हमारी बॉडी में एंटर होता है ग्लूकोज, और बॉडी में फिर ऑक्सीजन इस ग्लूकोज की डीकम्पोजिशन करती है और क्या बनता है,
प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल आती है और जो वाटर होता है ये हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट रहता है, इसलिए वाटर जो है वो वाटर की जो अमाउंट है या जो परसेंटेज हमारी बॉडी में वो अप्रोक्सीमेटली 70% है। 70% वाटर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। और ये जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, ये क्या होते हैं, ये कंप्लीट रिएक्शन ही होते हैं क्योंकि ये स्टॉप नहीं होते, ये जो है वो कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं।